हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ साउंड। साउंड क्या होता है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन टू द ईयर्स। ठीक है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे ईयर्स को सेंसेशन प्रोवाइड कराती है, जो कि कब प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा वोकल कॉर्ड है, जो ह्यूमन वॉइस है, वो वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड की वजह से जो है प्रेजेंट होती है। जैसे आपने हम क्लास प्लस वन में देखते हैं एक ट्यूनिंग फोक का एक्सपेरिमेंट, कि हम उसमें वाइब्रेशन कराते हैं, ट्यूनिंग फोक में इस तरह से दिखती है, और वो क्या करती है, वाइब्रेशन कराने पे वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो जो साउंड का एक्सपेरिमेंट है वो हम अपनी लोअर क्लासेस में कर लेते हैं। अब किसी चीज़ को रबिंग करके और किसी चीज़ को खींच के, इस तरह से हम जो है ना साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली साउंड क्या है? साउंड है वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो हमारी साउंड निकलती है। अब ये जो साउंड है ना, ये दो तरह से प्रोपेगेट करती है, मतलब जो वेव्स हैं हमारी वो दो तरह से। साउंड क्या है? एक तरह से वेव है। ठीक है, जो जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी वो वेव होगी। ठीक है, तो मैकेनिकल जो वेव है इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव। जो साउंड वेव है वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो हमारी क्या होती है? लाइट। तो लाइट क्या है? हमारी ट्रांसवर्सिव वेव है। देखो, लाइट में पीछे टी आता है, तो ट्रांसवर्सिव, ये याद रख लेना, बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल है हमारी साउंड वेव। ठीक है, जो लेंथ के अकॉर्डिंग चले वो क्या हो गई? साउंड वेव हो गई। ये लाइट वाला याद रख लेना, बाकी सेकंड जो रहेगी वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जो लेंथ के अकॉर्डिंग चले। मान लीजिए ये वेव है आपकी, और इसके साथ साथ अगर कोई, ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है, इसके साथ साथ जो मूव करेगी लेंथ के अकॉर्डिंग, जो मूव करेगी वो हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल। और ये हमारा क्राइटेरिया है, इसकी जो परपेंडिकुलर डल के काम करेगी वो कौन सी करेगी? हमारी लाइट वेव, मींस वो हमारी ट्रांसवर्सिव वेव हो गई। मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चलती है वो होती है ट्रांसवर्सिव, और जो पैरेलल चलती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। ये दो बातें याद रखनी है। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये सेक्शंस बना लिए मैंने। एक होती है कंप्रेशन और एक होता है रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। जो डेंसिटी है, जितनी जब हाई डेंसिटी होगी तो हम उसको बोलेंगे कंप्रेशन। जैसे मान लो कोई वेव प्रोड्यूस हो रही है, अगर मैं उसकी डेंसिटी देखूं एयर में, जो उसका पर्टिकुलर प्लेस है, तो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होएगी हम उसको बोलेंगे हाई डेंसिटी। ठीक है, तो हाई डेंसिटी को क्या बोलेंगे हम? कंप्रेशन, मीन्स कंप्रेस्ड है वो। देखो डेंसिटी का क्या मतलब होता है, मैं डेंसिटी का मतलब आज आपको क्लियरली समझा देती हूँ। डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं घनता। ठीक है, घनता वो बोल देते हैं, घनता बोलते हैं। ठीक है, डेंस घन है कितना। जैसे मान लो ये एक एरिया है, इसके अंदर 50 पेड़ हैं, और उसी वही सेम एरिया है उसके अंदर 100 पेड़ हैं, तो कौन सा डेंस होएगा भाई? कौन सा कम जो है ना हल्का होएगा? जिसमें 100 पेड़ होंगे वही तो कम हल्का होएगा। तो ये क्या होगा? ये लेस डेंस होगा, और जिसमें 100 पेड़ हैं वो क्या होगा? मोर डेंस होएगा। डेंस का मतलब वही है। तो जिसमें ज़्यादा जो हमारी वाइब्रेशंस है वो ज़्यादा हो तो हम उसको बोलेंगे कंप्रेशन, और जो कम हो उसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अपर वाला पार्ट कंप्रेशन के लिए रिप्रेजेंट करा, और लोअर वाला पार्ट रेयर फ्रैक्शन के लिए।
ठीक है, लाइट की फॉर्म में हम इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट की फॉर्म में ये होता है क्रस्ट और ये होता है ट्रफ। फिर से बता देती हूँ, जो साउंड है हमारा ये चला कंप्रेशन और रिएफ्रैक्शन पे, एक तरफ नॉर्मल डेंसिटी, इस तरफ चलती है डेंसिटी। देखो डेंसिटी ये पॉजिटिव साइड है, ग्राफ तो पता ही होगा सभी को, ये जो जीरो से ऊपर लिया जाता है ये पॉजिटिव होता है और जो जीरो से नीचे लिया जाता है वो होता है नेगेटिव। इसी तरह से जो राइट साइड में चीज़ ली जाती है वो होती है पॉजिटिव और जो लेफ़्ट साइड में ली जाती है वो होती है नेगेटिव। तो ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, मीन्स हाई डेंसिटी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाई डेंसिटी को कंप्रेशन, और जो ये कम डेंसिटी है इसको बोलेंगे हम रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारी साउंड वेव की रिप्रेजेंटेशन होगी। इस तरफ डेंसिटी चलेगी, इस तरफ क्या चलेगा, डिस्टेंस चलेगा। भाई डिस्टेंस के हिसाब से कितना है, मैंने अभी बताया ना डिस्टेंस, वो एरिया, वो जगह है, ठीक है। अब लाइट वेव की बात कर लेते हैं। लाइट वेव में क्या होता है, लाइट वेव हमारी कैसी होती है, ट्रांसवर्सिव नेचर की होती है। मीन्स जो हमारा जो हमारी वेव प्रोपेगेट करेगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये ज़ीरो नंबर वाली है ना, तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ से ऊपर कोई चीज़ जा रही है या नीचे कोई चीज़ आ रही है तो वो डिफाइन करती है कि वो चीज़ कैसे मूव कर रही है। तो लाइट में क्या होता है, लाइट में भी सेम ऐसे ही वो वेव है वो भी ऐसे ही ट्रेवल करेगी। तो लाइट के लिए ये क्या होता है, क्रस्ट होता है, मीन्स लाइट ऑफ हाई एम्पलीट्यूड। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अभी सारी टर्म बताऊंगी आप लोगों को। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं लाइट की टर्म में, जब हम लाइट का चैप्टर पढ़ते हैं तो इस चीज़ को क्रस्ट बोलते हैं और इस चीज़ को, नीचे वाली चीज़ को बोलते हैं टफ। अभी आप लोग इतना ही याद रखो, ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट। अब कुछ टर्म्स बताती हूँ जो कि वेव को, साउंड वेव को डिफाइन करेंगी। फर्स्ट है, ये मैं पहले वेव बना लेती हूँ एक, फर्स्ट है वेवलेंथ। अभी देखो यहाँ से इसने चलना शुरू करा, वापस उसी पोजीशन पे आ गई, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, कि एक वेव की लेंथ कितनी है। फिर ये दोबारा से शुरू हो गई, तो ये भी क्या है, वेव लेंथ है। ये सेम चलती है, मैंने डायग्राम में इसको भी इसके जितना ही बना लो। तो ये क्या होती है, एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि एक सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, वेलोसिटी के ऊपर एक इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ओसिलेशन, ये एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर का पूरे कर देगी। ये एक वेव है, ये एक वेव है, इसने ये दूसरा चक्कर पूरा करा, इसी तरह इसने ये तीसरा चक्कर पूरा किया, तो ये कितने सारे चक्कर पूरे कर देगी एक सेकंड के अंदर, वो कहलाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्लीट ओसिलेशन इन वन सेकंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, क्योंकि लेंथ है ना ये, भाई इतना इतना मीटर, 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, 6 मीटर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड, कि एक में कितना है ना, टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, कि एक में कितना है वो होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वही यूनिट है सेकंड या फिर हर्ट्ज इनवर्स, ठीक है। तो 1/ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड, पूरा सारा टाइम पीरियड कितना होगा, कि एक में कितना ले रही है, ठीक है। अब है एम्पलीट्यूड, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये वेव कितनी ऊँची उठी हुई है, यहाँ पे नंबरिंग होती है, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, तो ये कितना ऊंचा उठा हुआ है, इस चीज़ को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ना ओरिजिनल पोजीशन से लेके, उसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। अब देखो ये भी लेंथ ही है, तो इसको हम मीटर में मेज़र करेंगे, तो ये भी एम्पलीट्यूड की यूनिट भी क्या होती है,
एम्पलीट्यूड को भी हम किस में मेज़र करते हैं, एम्पलीट्यूड भी होता है हमारा मीटर में। अब देखो ये वेव ट्रैवल तो कर रही है लेकिन किस स्पीड से कर रही है, जिस स्पीड से करेगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, वी हो गई हमारी स्पीड। ठीक है, तो स्पीड से जितना जल्दी जल्दी पूरा करेगी, जितना जल्दी चलेगी, नंबर ऑफ जो हमारे वेव्स ट्रैवल करेगी, ठीक है, एक सेकंड के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। अब देखो स्पीड क्या कह रहा है कि ये एक वेवलेंथ ये हो गई, फिर ये हो गई, तो कितनी फ्रीक्वेंसी भी आ गई और वेवलेंथ भी आ गई, तो स्पीड क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, ठीक है, और वेवलेंथ हो गई उस वेव की लेंथ। तो वो भी तो अगर मान लो बड़ी बड़ी लेंथ की वेव है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी क्या ट्रैवल करने में, अगर छोटी लेंथ की है तो वो कम टाइम लेगी ट्रैवल करने में, तो उसकी स्पीड उसी हिसाब से होगी ना, जितना टाइम लेगी उसी उसी के अकॉर्डिंग होगी। देखो मान लीजिए इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है या फिर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ज़्यादा वेवलेंथ मींस ज़्यादा स्पीड, कम वेवलेंथ मींस कम स्पीड। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के स्पीड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस। मान लीजिए हमने यहाँ तक देखना है और इसमें आ गई, मान लो ये एक वेव आ गई, ठीक है, ये दूसरी वेव आ गई, ये तीसरी वेव आ गई और ये फोर्थ वेव आ गई, तो कितनी वेव्स आ सकती हैं, एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस हम लेके चलते हैं उसे बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, क्योंकि देखो मान लो ये डिस्टेंस छोटा है तो कम वेव नंबर आएगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही कम वेव नंबर हमारा आएगा, उतनी ही कम वेव्स हमारी होगी। मान लो ये डिस्टेंस है, यहाँ तक हमने देखना है, वेव एक पूरी हो गई, दूसरी भी पूरी हो गई, तीसरी भी पूरी हो गई, फोर्थ भी पूरी हो गई, फिफ्थ भी पूरी हो गई, तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है ना, ये मान लीजिए ये दूसरी आ गई इस डिस्टेंस के अंदर, यहाँ से शुरू हो रही है तीसरी आ गई, तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी वेव नंबर ज़्यादा, जितना कम ये कम वेव नंबर उतनी ही वेवलेंथ क्या ज़्यादा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, एक टर्म होती है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, वो टर्म भी मैं आपको बता देती हूँ। पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ध्यान से आराम से सुनने पे भी समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें ना। अब देखो ये ऊपर की तरफ पोर्शन है, सॉरी ये ऊपर की तरफ पोर्शन है, ठीक है, ये नीचे की तरफ है, यहाँ पे तो हमारी वेव पॉजिटिव में है, ये वाला पोर्शन मैंने नेगेटिव बताया था, ये पॉजिटिव बताया था, तो यहाँ पे हमारी वेव पॉजिटिव में है और यहाँ पे हमारी वेव नेगेटिव में है। वेव पॉजिटिव पोर्शन से लेके नेगेटिव पे आ गई, अगर मैं इस वेव को कंप्लीट करूँ, ये पॉजिटिव पोर्शन में है, ये नेगेटिव पोर्शन में है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ, ये एंगल कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री का, पॉजिटिव से नीचे नेगेटिव में आ गई, ये एंगल कितना बन गया, ये बन गया 180 डिग्री का, मींस उसमें कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे तो इतना एंगल नहीं होगा, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ पे मेज़र करा जा रहा है, तभी तो 180 डिग्री बना है पूरा, ठीक है, तभी 180 डिग्री बना है। अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूँगी तो अलग बनेगा, इस पे करूँगी तो अलग बनेगा, इस पे करूँगी तो अलग बनेगा, मैक्सिमम पोजिशन पे, ठीक है। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए कि पॉजिटिव पोर्शन पे थी हमारी वेव, पॉजिटिव पोर्शन पे थी और वो नेगेटिव पोर्शन पे आ गई है, 180 डिग्री का चेंज कर दिया। 180 डिग्री का चेंज क्या होता है कि भाई उसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव पोर्शन से नेगेटिव पोर्शन का चेंज आ गया, लेकिन यहाँ देखोगे जब आप यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पूरी नेगेटिव में नहीं आई है, यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू है, यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू, यहाँ पे वन है, तो वन है, यहाँ पे टू नेगेटिव हो गई, टू पॉजिटिव थी, टू नेगेटिव हो गई, तो 180 डिग्री का चेंज आ गया,
समझ रहे हैं फेज़ का क्या मतलब है, पॉजिटिव पोर्शन से नेगेटिव पोर्शन पे आ जाना। अगर जो दो वेव लेंगे हम, ये मान लीजिए आपकी पहली वेव है, ठीक है, ये ज़ीरो से शुरू हुई है और ये हमारे पास आ गई दूसरी वेव, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है भाई, ये ज़ीरो से शुरू होने वाली है, ये वन से शुरू होने वाली है, जहाँ इसका पॉजिटिव आएगा वहाँ इसका नेगेटिव आएगा, तो इनके बीच में एंगल देखो कितना बन रहा है 180 डिग्री का, तो दोनों में कितना फेज़ डिफरेंस है 180 डिग्री का, फेज़ का मतलब एंगल, ठीक है। पाथ का डिफरेंस देखो, जहाँ पे यहाँ पे इसका देखो, इस वाली का ये यहाँ पे लैम्डा पूरा हो गया, इसका लैम्डा पूरा हो गया और दूसरी वेव का लैम्डा, ब्लू वाली का लैम्डा यहाँ पे पूरा हुआ है, ठीक है। इसका लैम्डा ये है, इसका लैम्डा ये है, ये वाला लैम्डा बड़ा है ना, मान लो ये 7 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो डिफरेंस कितना आया 2 मीटर का, यही क्या है हमारा पाथ का डिफरेंस है, कि जो पाथ इसने ट्रैवल करा और जो पाथ इसने ट्रैवल किया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये होता है पाथ डिफरेंस। अब आपको एक टर्म और बताते हैं जो यूज़ होती है, टोन, ऐसे बोलते हैं ना, तुमने मुझसे जिस टोन में बात की है वो मुझे पता है ना, कि कोई भी आपसे किसी भी लहजे में बात करता है तो आपको उसकी इंटेंशन पता चल जाती है, तो टोन का क्या मतलब है, टोन का मतलब है कि उसकी एनर्जी आपके कानों तक कितनी पहुंच रही है, कितना उसका एम्पलीट्यूड है। मान लो आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपसे कोई धीमी आवाज़ में बात करता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो टोन बेसिकली मेज़रमेंट होती है लाउडनेस का। अब लाउडनेस क्या होती है, जो जितना तेज चिल्ला के बोलेगा वो उतना लाउड बोल रहा है, ठीक है, और जो जितना कम चिल्ला के बोलेगा वो उतना कम लाउड बोल रहा है, मीन्स उसका एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल है, ठीक है। लाउडर साउंड आ जाए, अगर डीजे पे गाना बहुत तेज बज रहा है, इट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, और अगर स्लो म्यूज़िक आपने घर में बजा रखा है तो इट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, एक चीज़ और बता देती हूँ इसी में, एक होता है नोट, ठीक है। नोट क्या होता है, मान लीजिए ये एक वेव है, इसने 1 सेकंड के अंदर 5 राउंड पूरे कर दिए, ठीक है, 5 राउंड पूरे कर दिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1 सेकंड के अंदर, तो ये क्या बन गया, एक नोट बन गया। नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर फिर से इसने क्या कर दिए, 5 राउंड कंप्लीट कर दिए, तो ये दूसरा नोट बन गया, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉट, अगर इन केस आ जाए तो। अब देखो जो साउंड होती है, एक आती है इसमें पिच, सुना होगा ना, महिलाओं की क्या होती है, हायर पिच होती है, क्यों होती है, उनका जो वोकल साइज़ होता है ना, जो ये गले में आपको दिखाई देता है, जो वोकल फोल्ड होते हैं उसका साइज़ क्या होता है, महिलाओं में स्मॉल होता है, तो उसकी जो पिच होती है वो हायर पिच होती है, ठीक है। पिच का मतलब है फ्रीक्वेंसी, पिच का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, फ्रीक्वेंसी से। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी, मान लो ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, तो ये एक वेव तो चल रही है ऐसे और दूसरी वेव चल रही है ऐसे। अब आप खुद ही बताएंगे, समझदार हैं आप लोग, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, है ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज़्यादा कर रही है, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम कर रही है, तो ये हो गई लोअर फ्रीक्वेंसी और ये हो गई हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि लोअर फ्रीक्वेंसी मींस लोअर पिच, हायर फ्रीक्वेंसी मींस हायर पिच, तो महिलाओं की क्या जो होती हैं, वुमेंस की हायर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी मींस देयर साउंड इज़ ऑफ हाई पिच। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, जो आपका टेक्निकल कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें, कि जो वुमेन की श्रिलनेस है आवाज़ की, वो
उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी कि लो फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब आपको मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया, जिसने ये सुन लिया वो कोई गलत नहीं करके आएगा इस क्वेश्चन को। अभी एक एक टर्म और देख लीजिए, फिर बाकी जो है इसके बारे में हम कल करेंगे। एक होती है आपका टिम्बर या फिर क्वालिटी, क्वालिटी और टिम्बर, इसको क्या बोलते हैं। मान लीजिए डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उनकी क्या आती है, डिफरेंट वेव फॉर्म आती है। जैसे मान लीजिए आपने एक बांसुरी को बजाया, तो बांसुरी का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ है, और अगर आप वोयलिन को बजा रहे हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ है। इसको क्या बोलते हैं, टिम्बरनेस बोलते हैं। ठीक है, कि जो क्वालिटी और शेप है साउंड वेव की, उसको टिम्बर, मतलब जो टिम्बर या शेप ऑफ साउंड है वो अलग अलग है। वो किस पे डिपेंड करती है, वो साउंड वेव्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी जो निकल रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक होता है सोनिक बॉम, जब ज़्यादा तेज़ आवाज़ में डीजे चले तो आपने देखा होगा आसपास अगर कोई कांच की चीज़ है या खिड़की वगैरह है वो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, है ना, ऐसा लगता है अभी कांच टूटा। इट मींस जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट उसका साउंड इतना ज़्यादा बढ़ा दी, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए, जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए कि वो स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ज़्यादा चल रही हो, तो हम उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड, जैसे आपकी एरोप्लेन्स हो गई, बुलेट्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, ये सब किससे ट्रैवल करते हैं, सुपरसोनिक स्पीड से। और इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं कि जो अगर कोई ग्लास वगैरह है ना, वो जो ये वेव प्रोड्यूस करते हैं उनको शॉक वेव बोलते हैं, उससे क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको बोलते हैं सोनिक बॉम। ठीक है, मतलब साउंड वाला बम। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो साउंड वाला बम, ये है हमारा सोनिक बॉम। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन इसके हम न्यूमेरिकल और इसकी फर्दर स्टडीज, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो सब हम इसके बारे में करेंगे। तब तक आप प्लीज़, अगर आपको कोई भी टर्म नहीं समझ में आई हो आप कमेंट करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बस दैट्स ऑल।